आपण एका एका मुवमेंटचे दोन दोन राऊंड करणार आहे.
सिंपल सिंपल स्टेप है, कोशिश करें सभी लोग अपना कैमरा ऑन करें। ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड स्टेप है नहीं बन रहा है, अगर हम लोग कैमरा ऑन करके करेंगे तो पॉसिबिलिटी हमारी एक्सरसाइज करने की बढ़ जाती है। ये तो फिर लास्ट में वही आपकी मर्जी है।
आवाज येतोय का माझा? हो येतोय मॅडम, छान आहे. हे आपण जमिनीपासून मोठी Thank you.
दोन फुट अंतर पाहिजे दोन्ही पायांच्या मध्ये. दोन फुट असं असं नाही करतोय वज्राचं पण पण असं क्षमायचं आपण एक गाव पण असं असेल.
ज्यांना ज्यांना शक्य त्यांनी करा, ज्यांना येत नाही त्यांनी दुसरा काहीतरी व्यायाम करायचा. हनुमंत म्हणून आहे एक योगाचा प्रकार, तो आपण 5 वेळा करू आपण.
सूर्य नमस्कार एकदा 5 वेळा आपण करू. सूर्य नमस्कार.
आवाज येतोय का माझा? ह्या आसनमुळे कंबरेचा त्रास नाही मॅडम, येतोय 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 ना आवाज? हा, कंबरेचा त्रास कमी होतो याच्यामुळे, कंबरेचं दुखणं कमी होत. आणि असं आहे का, 10 वर्ष आपण त्यानं पण कंबरेची दुखणं कमी होते. ज्यांना शक्य आहे त्यांनी करा, नसेल तर त्यांना म्हणजे दुसरा व्यायाम करा, नाही तरी आपली सहज मांडी राहून तुम्ही हा व्यायाम करू शकता. आपले आमटे पकडायचे अशी मांडी घालायची, ज्यांना शक्य आहे त्यांनी अशी मांडी घाला, नसेल तरी साधी मांडी काढून बसलं तरी चालतंय. आमचे पकडचे
प्रयत्न करायचे चक्रासन आणि सभी लोग मत करना, जिनसे पॉसिबल है वही करें, जबरदस्ती का प्रयास ना करें, नहीं तो फिर कहीं चोट लग जाएगी, क्योंकि ये एडवांस आसन होते हैं। आपण सर्वांगासन करणार आहे, सर्वांगासन ज्यांना ज्यांना येत नाही त्यांनी करू नका, दुसरा कुठलं पण छोटस म्हणजे आपल्याला जे आसन आहे ते करा, सर्वांगासन म्हणून एक 10 सेकंद होल्ड करायचं। हळूच खाली यायचं, नाही कमरेला मग जाऊ शकते जर फास्ट आला। असं एक 2 वेळा करू आपण, त्याच्यानंतर दुसरा आसन। आता आपण बालासन करणार आहे, बाल म्हणजे लहान मूल कसं दोन्ही पाय आपलं हे करत तसं आपण आपल्या डोक्याला लावायचे दोन्ही पाय। यस, खूप छान मॅडम। मेडिटेशन करूयात, हा वेळ कुठे एकदम जातो, गलत योगामध्ये उत्तर। वेळ कळत नाही। थँक्स मॅडम, मनीषा खूप छान वर्कआउट केला तुम्ही। योगा म्हणलं का भरपूर वेळ लागतो पण आपलं जाऊ दे, आता आपण टाइम कमी राहिले त्यामुळे आपण थोडस हे करूया, प्राणायाम घेऊया, एक 5 प्रकार पटापट करू। चालेल चालेल, करा। लय ध्यान मुद्रामध्ये बसायचंय आणि आपण मोठा श्वास घ्यायचा आहे आणि होता होईल तेवढं ओम म्हणत तोंडावाटे आपला श्वास सोडायचा आहे आणि राहिलेला आपली जीभ आहे ती टाळ्याला चिटकवली का बरोबर म हा स्वर निघतो। असं एक 5 वेळा करू आपण, दुसरा एक घेऊ आणि टाइमाच्या अगोदर। ओ
आपण आता अनुलोम विलोम म्हणून आहे तो व्यायाम ही प्राणायाम करणार आहोत. अंगठा उजव्या नाकपुडीवर ठेवायचा आहे आणि डाव्या नाकपुडीनं श्वास घ्यायचा आणि थोडा वेळ थांबून परत डाव्या नाकपुडीवर करंगळीच्या साईडची 2 बोटे ठेवायची आणि मग उजव्या साईडनं श्वास सोडून द्यायचा. असं 5 वेळा करायचं सर. आवाज येतोय ना? आता मेडिटेशन वगैरे तुम्ही म्हणताय ते घेऊ 1-2 मिनिटं काय असेल. सॉन्ग लाव, मेडिटेशनचं सॉन्ग लाव तुम्ही. जर पॉसिबल असेल तर शांत बसून घ्या, आजूबाजूचे जे काही आवाज असतील थोडंसं त्यांना बंद करण्याचा प्रयत्न करा. म्हणजे मुलं असतील, टीव्ही असेल, मोबाईल असेल, दरवाजाचे आवाज येत असेल तर थोडंसं आपण ते अपनी आंख बंद कर लीजिए. अब ये बात याद रखिएगा कि कोई भी सही या गलत तरीका नहीं है मेडिटेट करने का. जो भी आप अभी एक्सपीरियंस करेंगे वो आपके लिए सही है, बस ऑब्जर्व करिए. आवाज येतोय ना मेडिटेशन चा? थोडे बंद करून थोडं सीमे सीमे. अपने शोल्डर्स को आगे रोल करिए धीरे धीरे और फिर धीरे धीरे उनको पीछे की तरफ रोल सर करिए. आवाज अपनी गर्दन को एक साइड से दूसरी साइड रोटेट करिए. अपने लेफ्ट ईयर को अपने लेफ्ट शोल्डर से मिलाइए और अपने राइट ईयर को अपने राइट शोल्डर से. अब अपनी सारी मसल्स रिलैक्स कर लीजिए. आपकी बॉडी और रिलैक्स करती जाएगी जैसे आप मेडिटेट करते जाएंगे. अपनी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करिए. नोटिस करिए कि आपकी सांस कैसे अंदर आती है और फिर बाहर जाती है. इसको बदलने की एकदम भी कोशिश नहीं करिएगा, बस ऑब्जर्व करिए. एकदम शांति से बैठ जाइए और अपने दिमाग में यह देखिए कि आपकी सांस कैसे आपके अंदर आ रही है और कैसे बाहर जा रही है. जब भी आपका अटेंशन कहीं और चला जाएगा तो बस अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करिएगा और अपना ध्यान वापस ले आइएगा. आपके दिमाग में जो भी थॉट्स आए उनको नोटिस करिए, लेकिन उनके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करिएगा. बस उन थॉट्स को आने दीजिए और वो अपने आप चले जाएंगे. अब अपने सांस लेने के तरीके के बारे में हर चीज़ देखिए कि सांस कैसे अंदर आ रही है और उसके बाद जो टाइम होता है जिस टाइम सिर्फ शांति होती है और फिर आपकी सांस कैसे निकल रही है और फिर वो साइलेंस जो दूसरी सांस लेने से पहले है. हर सांस के बीच में जो थोड़ा सा ब्रेक होता है उसको नोटिस करिए. आपके दिमाग में कोई भी थॉट आए तो इमेजिन करिए कि वो एक बादल की तरह है और वो आएगा और वो हवा के साथ धीरे धीरे चला जा रहा है और अपना अटेंशन आप अपनी ब्रीदिंग पे वापस ले आइए.
करिए कि आपका चेस्ट और आपका स्टमक कैसे धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है हर सांस के साथ और कैसे धीरे धीरे अंदर वापस जाता है हर सांस के बाद। अब जैसे आप इनहेल करेंगे तो अपने दिमाग में साइलेंटली काउंट करिए 1, और जैसे एक्सहेल करेंगे तो फिर काउंट करिए 1, और फिर अगली ब्रेथ पे फिर से 1 काउंट करिए, फिर एक्सहेल करिए और फिर 1। इनहेल 1, एक्सहेल 1। इसी तरीके से हर सांस को अंदर लेने और बाहर छोड़ने के प्रोसेस को आप 1 से काउंट करिए। और आप ये थोड़ी देर तक करते रहिए, इनहेल करिए 1, एक्सहेल करिए 1। इनहेल 1, एक्सहेल 1, इनहेल 1, एक्सहेल 1। Inhale 1, exhale 1. 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 नोटिस करिए कि आपकी बॉडी कैसी फील कर रही है, देखिए कि आप कितना काम हो गए हैं और आपकी ब्रीदिंग कितनी रिलैक्स्ड हो गई है। अब धीरे धीरे आप अपनी बॉडी को और अपने दिमाग को वापस जगा सकते हैं। अपनी आंख बंद रखिए लेकिन अपने सराउंडिंग्स को नोटिस करिए, आपके पैर के नीचे ज़मीन को या अपने कपड़ों को फील करिए,
अपनी उंगलियों को हिलाई और अपने पैरों को हिलाई है, अपने शोल्डर्स को थोड़ा सा हिलाई है, और अब आप अपनी आंखें खोल लीजिए। साइलेंस में थोड़ी देर और बस बैठे रहिए। अब आप अपने हाथ और पैर धीरे धीरे स्ट्रेच कर सकते हैं। थोड़ी देर ऐसे ही बैठे रहिए, एंजॉय करिए कि आप कितना रिलैक्स हो गए हैं। यस मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर्वाना। और कैसे लग रहा है? एक बार मनीषा मैम के लिए हम लोग एक बार क्लैपिंग करते हैं सब लोग। यस बहुत ही अमेजिंग। यस यस अमेजिंग मैम। यस किसी का कोई फीडबैक 2 मिनट में हम लोग लेते हैं, उसके बाद जो भी नए लोग हैं वो शाम को रेगुलरली रहे, खास करके शाम के एसक्यूएल सेशन में, जिसमें हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। कितने लोग आज नए आए हैं? ऐसा कोई है जो नया, मतलब आज फर्स्ट टाइम आया है, कल, आज, एक दिन से, 2 दिन से? सारे पुराने? मुझे कुछ डिवाइस नए नजर आ रहे हैं, जैसे श्वेता पटेल। श्वेता पटेल, करेक्ट, ठीक है। दुकान वाले, दुकान ची मुलगी आणि तिची आई करत होती, आता काय माहिती कुठे गेले। चलेगा, कोई श्वेता, यस कोई बात नाही, हळूहळू सगळ्यांना जॉईन करायची कोशिश करायची। यस मस्त झाला, मनीषा मॅडमने मस्त घेतला वर्कआउट बी, योगा बी, स्ट्रेचिंग बी। श्वेता कैसा लग रहा आजका वर्कआउट? मनीषा मॅडमांना किती तास करायचं, छान वर्कआउट केलं त्यांनी। सब लोग कोशिश करेगी कैमरा ऑन करने का प्रयास करें, ताकि सब पूरा परिवार मिल के रहेगा, सबके आमने सामने रहेंगे तो अच्छा लगेगा। थोड़ा सा कैमरे के पीछे आप वर्कआउट कर रहे हैं, नहीं कर रहे, स्टेप गलत हो रहा है, कुछ भी पता नहीं चलता। आप कॉल पे आए या ज्वाइन करके गए, मतलब खाना बनाने गए या कुछ और काम कर रहे, ये भी पता नहीं चलता। अगर कोई टिफिन वगैरह बना रहे तब भी आप कैमरा ऑन कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ताकि पता तो चलेगा कम से कम, मतलब आपने गेस्ट का ख्याल रखते हुए वो खाना बना रहे, जो भी बच्चे जा रहे स्कूल में, तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कैमरा ऑन करने के। देखो अभी दो तीन ही बच्चे अभी इतने कैमरा ऑन हो गए, मतलब एक दूसरे की पहचान हो जाएगी हमारे कम्युनिटी में कौन कौन है। मतलब अगर आप ऑफलाइन इवेंट में भी मिलेंगे, सामने आएगा, तब भी पता नहीं चलेगा ये हमारे कम्युनिटी का मेंबर है, तो कम से कम आप यहाँ कैमरा ऑन करोगे तो देखते ही पता चलेगा कि ये हमारे कम्युनिटी में है। तो थैंक यू मनीषा मैडम के लिए, सगळे सबने एक बार और तालियां बजाने, खूप बहुत बढ़िया ये किया। खूप छान आता योगा, और गणेश सर ने बहुत अच्छा इतना अपने लिए साउंड लगाया और सबके लिए, मतलब वर्कआउट का एक टाइम रखा कि सुबह नहीं कर पाते, जो उधर नहीं ज्वाइन कर पाते उनके लिए, तो उनके लिए भी एक बार तालियां बजाने। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू सो मच सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे हम लोग जो है इस कॉल